इनसिक्योर होने की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। नूरलैन के शौहर की कंपनी में काम करता हूं मैं, एमडी है वो मेरी। कंपनी मीटिंग्स के लिए कभी लंच पे जाना पड़ता है, कभी डिनर पे, और ये सारी बहुत आम सी बातें। ऑन टॉप ऑफ दैट वो रिश्तेदार है मेरी, नेबर है, इस तरह कंप्लीटली तो इग्नोर नहीं कर सकता ना जिस तरह तहरीर चाहती है। मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो, जब समंदर में तूफान आता है ना मुझसे, तो कश्ती में सिर्फ वो चीजें रखी जाती हैं जिनसे जान बचाई जा सके, फालतू सामान को दरिया बुर्द कर दिया जाता है। अब बात उसके मैके तक पहुंच गई है। तुमने देखा साजिद और आसफा का रवैया, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं अपनी बेटी की खातिर। अगर उन्होंने मेरी जुबान पर और तुम्हारे किरदार पर भरोसा करके अपनी बेटी का हाथ हमें दे दिया है, तो क्या हम उनका भरोसा तोड़ देंगे? कहना क्या चाहती हैं? कहना ये चाहती हूं कि रिस्क तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन अपनी इज्जत और अपने घर को बचाना इंसान का काम है। जिस तरह तहनियत चाहती है उसी तरह करो। छोड़ दो नूरलैन को और उसकी नौकरी को भी, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अम्मी आप जानती भी हैं आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। तहनियत और ईमल हमारी पहली और आखिरी तरजीह है। अगर तहनियत इनसिक्योर है तो उसकी इनसिक्योरिटी दूर करना बहैसियत शौहर तुम्हारा काम है। इस मामले को ज्यादा तूल मत दो, मामलेदारी का मामला है, रिश्तेदारी का मामला है, बात कहीं से कहीं जा पहुंचेगी। बस तुम नूरुलैन से अलहदा होकर तहनियत और ईमल को घर ले आओ।